कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आपकी दोस्त रूबी नेगी लेकर आई हूँ एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की कुछ मसालेदार खबरें, जिसमें हम आपको बताएंगे कि वैष्णवी धनराज ने शेयर की अपनी हॉट फोटोज। टीवी के बेस्ट एक्ट्रेस और सीआईडी फेम वैष्णवी धनराज इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई है। वैष्णवी ने अपनी बिकिनी फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है और इस फोटो में व्हाइट बिकिनी में वह नजर आ रही हैं। इसमें वो अपना जीरो फिगर फ्लॉन्ट करती हुई नजर आ रही हैं। फैंस अब ट्रोल कर रहे हैं और साथ में कॉमेंट्स कर रहे हैं कि मैम आप खूब हॉट लग रही हैं। मौज मस्ती के बाद तस्वीर को खूब शेयर किया जा रहा है। आपको बता दें कि इस तस्वीर में मिनिमल मेकअप मैसी बन उनको और भी खूबसूरत बना रहा है। फोटो शेयर करते हुए वैष्णवी ने कैप्शन में लिखा है, एंड सो इट इज ट्रायल रूम सेल्फीज। आपको बता दें कि एक्ट्रेस ने सीआईडी में सब इंस्पेक्टर ताशा का रोल निभाया था। इसके अलावा ये सोशल मीडिया पर आए दिन अपनी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं। फैंस उनकी तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं और वैष्णवी धनराज के टीवी करियर की बात करें तो उन्होंने सीआईडी के अलावा आना ना इस देश लाडो में भी नजर आई थी। आपको बता दें कि इस शो में उन्होंने डी ग्लैम अवतार लिया था। सीआईडी से पहले वो कसौटी जिंदगी की और करम अपना अपना में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी सीआईडी से मिली थी। आखिरी बार वह जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा स्टारर शो बेपनाह में नजर आई थी, जिसे लोगों ने खूब ज्यादा पसंद किया था। गौरतलब है कि वैष्णवी ने 2008 में अपनी एक्टिंग करियर की शुरुआत की थी। इसके बाद 2012 में वैष्णवी ने मॉडल नितिन सारस्वत से शादी की थी। दोनों की मुलाकात कितनी मोहब्बत सीजन 2 में हुई थी, फिर सिर्फ 4 साल के बाद ही उनका तलाक हो गया। अंत में वैष्णवी ने बोला, मैं घरेलू हिंसा का शिकार रही हूँ, नितिन ने मेरे साथ वह सब किया। छोटे पर्दे पर कई सालों तक काम करने वाली वैष्णवी ने अब बॉलीवुड की तरफ रुख कर रही हैं। तो ये थी बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की कुछ मसालेदार खबरें, और ऐसी ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही दिए गए नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि आप भी रह सके ऐसी ही मसालेदार खबरों से अपडेट।